19 जून 2017 को चांदपुर स्थित निजराव के रास्ते में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। ये रोज़ा इफ्तार 22 अजीज़ुद्दीन कुरैशी ने आयोजित किया, जहाँ रोज़ादारों ने भारी तादाद में रोज़ा इफ्तार किया। और युवा जमीतुल कुरैश की ओर से उन्होंने बताया कि एक युवा सम्मेलन अहले मुस्लिम का 17 सितंबर 2017 को आयोजन होने जा रहा है। फखरुद्दीन कुरैश ने बताया कि युवा जमीतुल कुरैश बहुत अच्छा काम कर रही है, मात्र 2.5 साल में ये तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी ओर से ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 207 यूनिट हमारे पास आए, जिसमें मुस्लिमों के अलावा गैर मुस्लिमों ने भी ब्लड डोनेशन किया। इसी तरह के समय समय पर संस्था सामाजिक कामों को अंजाम दे रही है। बेरोज़गार कोई बीमारी की वजह से किसी तकलीफ की वजह से रोज़ा नहीं रख पाता है, अगर वो रोज़गार के साथ रोज़ा खोलता है तो उसको भी नहीं समझ। और ये बताया अभी पहले मुस्लिम में हम सम्मेलन करते हैं ना, उससे अभी जयपुर में उम्र में और समाजों के जितनी भी हमारी बिरादरी है मुसलमानों में उनमें इतनी मोहब्बत बढ़ी है। अभी ब्लड कैंप लगाया था मैंने तो उसमें खाली हमारी बिरादरी ने ब्लड नहीं दिया, उसमें हमारी और भी बिरादरी की जातों ने दिए, कैम खानी जातों ने भी दिए और भी पठानों ने भी दिए और काफ़ी बिरादरी की जो है उन्होंने देखा नहीं यार मुसलमान के माध्यम से अच्छा काम हो रहा था, हम भी मुसलमान हैं। और उसमें बिरादर ने दिया बिरादर के नाम, गैर बिरादर ने दिया इस्लाम के नाम से, और गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों ने जो दिया उन्होंने भी ब्लड दिया था, उन्होंने दिया इंसानियत के नाम से। हमने ब्लड कैंप लगाया था जिसमें 207 यूनिट आए थे, आज तक किसी ने इतना बड़ा नहीं किया, नहीं 207 किसी ने इतने यूनिट इकट्ठे नहीं किए। 207 यूनिट हमने किए जिसमें से 80 से 90 ब्लड डोनेट हम बांट भी चुके हैं, लोगों जिनकी ज़रूरत होती है किसी भी टाइम पे वो आते हैं, हम हमारी संस्था के माध्यम से उनको देते हैं और किसी भी परेशानी किसी को ब्लड की जरूरत होती है हम देते हैं। तो हमारे में क्या है, युवा जमीतुल कुरैश एक जयपुर में ऐसे काम कर रही है जिसमें बिरादर तो युवा जमीतुल कुरैश के नाम से लेकिन सारी बिरादर के लोग उसमें मिलकर काम करते हैं। और हम एक इस तरीके से रहते हैं कि कुरैशी समाज की संस्था तो है ही है लेकिन संस्था से मतलब हमारा को नहीं है, हमारा को मतलब है मोहब्बत और इंसानियत से। और आज युवा जमीतुल कुरैश ने कम से कम भी नहीं तो जयपुर में 200 से 500 आदमी को जोड़ के रख रहा है, जिसमें हर समाज के आदमी है, हिंदू भी है मुसलमान भी, और मुसलमान में कभी कभी सारी पठान वो जितनी भी जाती हैं सब हम सम्मेलन युवा जमीतुल कुरैश चल रही है पिछले 8 साल से, जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब जो बीते हैं युवा जमीतुल कुरैश सिराजुद्दीन साहब उनको 2.5 साल हो गए, 3 साल होने वाला है, इन्होंने 200 सम्मेलन कर दिए और ब्लड कैंप लगा दिया और भी बारी बारी ये समाज के काम करते हैं जिनसे ये जो रमजान कराते हैं इंशाल्लाह हर साल से ही करता रहा, और 10 से 15 साल हो गई इसको करते रहते, और हम इसलिए कराते हैं कि हमारे समाज में इसमें अच्छा मैसेज जाता है, उन तो लोगों में बहुत ये लगता है कि भाई हमको भी इस तरीके का करना चाहिए। प्रोग्राम होने से क्या लोग दूर दूर से लोग आते हैं और दूर दूर से आने के बाद वो देखते हैं माहौल से अच्छा तो वो और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर क्या मैसेज एक तरीके का भाई हमारे समाज में सभी और भी लोग हैं मतलब हमारे हिंदुस्तान में हर जाति के, तो हम चाहते हैं जिससे हमारा जो माहौल हो सबको देखे तो इंशाल्लाह सब इस तरीके से करें, और हमारे और भी जैसे हमारे भाई लोग और भी वो भी हमारा माहौल देख के वो भी कराते हैं, मतलब इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं रोडों पर करके कि और भी लोग हमारे देश के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेश लोग हैं देश भी कराते हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से इज्जत भी है और बहुत भी बहुत बहुत स्वाद मिलता है।
अभी वो जो हमारा ये सम्मेलन होने जा रहा है बकरीद के सामने 17 सितंबर को 2017 में। अच्छा, ये हर साल हम करते हैं, पहले दिसंबर में किया, फिर नवंबर में किया, सितंबर में किया। कितने जोड़ो पहले तो दोनों बार लगभग हमने क्या होंगे यार, इस बार भी बढ़ोतरी है तो क्या होंगे तो करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं। और जयपुर में कम ऐसे सकते हैं, जयपुर से बाहर भी जोड़ा। हाँ हाँ, इसमें जयपुर से बाहर गए, राजस्थान से बाहर गए, यूपी तक के हैं, हरियाणा, यूपी, भाई सब तरफ कुछ अपने राजस्थान में हर तरफ के एमपी और ये भीलवाड़ा इधर भी सब साइड के हमारा घर जोड़ा था। जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। हमारे में सबसे बड़ी बात ये है कि हम कुरैशी समाज के हैं, मगर हम कुरैशी समाज का नहीं करते हैं, हम एहले मुस्लिम करते हैं, इसलिए कि भाई समाज तो समाज है, ये नहीं कि भाई हमारे ही खड़े हमारे दादी का कर बैठा है, इसलिए हम सबका ही करते हैं, हमें एहले मुस्लिम कोई भी हो गया। और इंशाल्लाह आगे इससे चलता रहेगा हमारा दो तीन साल तो हम इसमें सर्वमन करेंगे, तो उसमें हिंदू मुसलमान सबको करने वाले आने वाले दो तीन साल के अंदर ऐसा चल रहा है हमारा, कि हमारे क्या हिंदू भाई भी हमारे से जुड़े हैं, वो हम सब मिलकर आगे